मौका था 18वें एशियाई खेलों का। इंडोनेशिया के जकार्ता पैलेमबांग शहर में 14 दिनों तक चले इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में भारतीय एथलीटों ने सोने की एक अलग चमक बिखेरी। Bir sonya insanı kuraştı. Final yıllanmasını kul gekerdi. Yana bir bronza medala. तो चांदी जैसी सादगी से प्रदर्शन में चार चांद भी लगाए। हर चार बरस में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में इस बार 10 नए खेलों को शामिल किया गया था। आज हम बात करेंगे उस खेल की जिसको हम में से शायद कई लोगों ने तब देखा और सुना होगा जब एशियन गेम्स में पिंकी बल्हारा ने सिल्वर मेडल जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशियन गेम्स में पहली बार शामिल हुए खेल कुराश की और उसकी विजेता पिंकी बल्हारा। कुराश एक प्रकार की कुश्ती है। इसका मकसद है खिलाड़ी को दिमाग और शरीर से मजबूत, चालाक और दृढ़ निश्चय के साथ निपुण बनाना। ये भारत के देसी खेल पहलवानी जैसा ही है, लेकिन दोनों ही खेलों में फर्क है तो कुछ नियमों का। इस खेल में दो प्रतिभागी होते हैं, एक खिलाड़ी नीली तो दूसरा हरी जैकेट पहनता है। खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी का जैकेट पकड़ता है और उसे अपने पीछे पटकने की कोशिश करता है। हम इसे आम भाषा में जैकेट पकड़ खेल भी कह सकते हैं। कुराश उज्बेकिस्तान का मार्शल आर्ट है। ये मध्य एशियाई देशों में प्राचीन काल से प्रचलित एक लोक कुश्ती है। ये कुश्ती उज्बेक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। उज्बेक समाज में कोई भी पारिवारिक समारोह कुराश के बगैर पूरा नहीं होता था। इतिहासकार तो इसके इतिहास को 3500 साल पुराना बताते हैं। महान दार्शनिक हेरोडोटस के मुताबिक प्राचीन उज्बेकिस्तान में कुराश लोगों में प्रचलित एक आम खेल था और समाज के सभी वर्ग इसमें हिस्सा लेते थे। मध्य एशिया में इस खेल के प्रसार के साथ साथ इसकी तकनीक, नियम और दर्शन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगे। उज्बेकिस्तान का गेम है, 3500 साल पुरानी गेम है ये। तो पहले जैसे योद्धा आपस में प्रैक्टिस किया करते थे या लोकल लोग आपस में प्रैक्टिस किया करते थे, फंक्शंस में ये प्रैक्टिस किया करते थे इसको, तो उसको उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। ऐसा 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 बढ़ाते 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 पहले अपने देश में उन्होंने पूरे देश में इसको लागू किया कि इसके रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाए। कुराश के मास्टर के रूप में मशहूर कोमिल यूसुपोव ने 1990 में इस खेल पर अपना शोध पूरा किया। इसके आधार पर यूसुपोव ने कुराश के लिए नियम बनाए। इसमें कुराश की हजारों साल पुरानी परंपरा और आधुनिक खेल की जरूरतों का बेहतरीन संगम था। इसमें कुराश वेट कैटेगरी, भाव भंगिमा और 13 उज्बेक शब्दों पर आधारित कुराश की शब्दावली शामिल है। उन्होंने बाउट के लिए समय तय करना, प्लेयर्स और रेफरी के लिए यूनिफॉर्म जैसी चीजें भी तय की। 1991 में रशिया के जो पार्ट्स हुए थे अलग अलग, ये सारी कंट्रीज अलग बनी, जैसे उज्बेकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हुआ 1991 में। उसके बाद से ये एक अपनी अपनी गेम्स जैसे इन्होंने प्रमोट करनी शुरू की, वैसे ही उज्बेकिस्तान ने कुराश को प्रमोट करना शुरू किया। जो मिस्टर कोमिल यूसुपोव हैं वो फादर ऑफ कुराश कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने ही मॉडर्न कुराश को जन्म दिया। साथ में मिस्टर करीमोव जो उनके प्रेसिडेंट थे उनके साथ मिलके इसको आगे बढ़ाया। खेल के ग्राउंड पर कुराश के कुछ कड़े नियम हैं जो इस खेल को दिलचस्प, सरल और गतिशीलता के साथ सुरक्षित भी बनाते हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग पर खेला जाता है। इसमें ना तो कमर के नीचे पकड़ा जा सकता है और ना ही हिट या किक मारा जा सकता है। खिलाड़ी कोई भी एक्शन खड़े होकर भी कर सकते हैं। कुराश में ग्राउंड रेसलिंग नहीं होती है। खिलाड़ी को अपने प्रतिद्वंदी को ग्राउंड पर पटकना होता है।
कुराश में आर्म लॉक्स और चोकिंग यानी बेहोश करने की तकनीक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। 1991 में उज़्बेकिस्तान के स्वतंत्र राज्य बनने के बाद उज़्बेकिस्तान के ऐतिहासिक परिवर्तनों के पुरोधा और प्रेरक माने जाने वाले इस्लाम करीमोव ने दुनिया भर में कुराश को एक नए अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में बढ़ावा देने का लक्ष्य बनाया। तत्कालीन राष्ट्रपति करीमोव ने 1992 में कामिल युसुपोव के साथ मिलकर कुराश के माध्यम से उज़्बेकिस्तान की परंपराओं और दर्शन को दुनिया भर में पेश किया। और सितंबर 1998 में उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पहला अंतर्राष्ट्रीय कुराश टूर्नामेंट आयोजित किया गया। कुराश के तीन स्कोरिंग अंक होते हैं। हलाल सबसे उच्चतम अंक होता है, जिसे खलोल भी कहा जाता है। योनबोश दूसरे स्थान पर आता है। दो योनबोश मिलकर एक खलोल बनाते हैं। मुकाबले में सबसे छोटे अंक को चाला कहा जाता है। मुकाबला शुरू होने से पहले खिलाड़ी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जिसे ताजीम कहा जाता है। और बाउट को रोकने के लिए रेफरी टोकटा शब्द का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही पॉइंट को रद्द करने के लिए बेकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को पीठ के बल मजबूती से थ्रो करता है तो उसे खलोल अंक दिया जाता है और उसे बाउट का विजेता घोषित कर दिया जाता है। यदि खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को उसकी तरफ यानी पेट के बल पटकता है तो उसे योनबोश अंक दिया जाता है। यह खलोल के करीब ही है, इसलिए कुछ अंक दिए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि मुकाबले का सबसे लोअर अंक चाला कहलाता है। जब खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को उसकी ही तरफ हल्के से थ्रो करता है वो चाला कहलाता है। चाला कितने ही क्यों ना हो, वो योनबोश या हलाल के बराबर में नहीं गिने जा सकते। यदि खिलाड़ी प्रतिद्वंदी को कमजोर रूप से फेंकता है तो उस स्थिति में कम स्कोर दिया जाता है। फिर जिस भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा अंक होते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। कुराश में तीन पेनाल्टी दी जाती हैं, तांबिक, दक्की और गिर्रम। मुकाबले में एक खिलाड़ी को केवल दो दंड दिए जा सकते हैं, तांबिक और दक्की। यदि तीसरा दंड गिरोम दिया जाता है तो उसका मतलब होता है खिलाड़ी को अयोग्य करार देना। फिर खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी में कोई मुकाबला नहीं रह जाता है। यूं तो कुराश इस सदी के शुरुआत में भारत पहुंचा, जिस वक्त कई जुडोका खिलाड़ी कुराश एथलीट के रूप में बदल गए। नए खेल होने के बावजूद कुराश का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन इस खेल को पहचान दिलाई भारत की दो बेटियों ने, जिसमें एक का नाम है मलप्रभा और दूसरे का नाम है पिंकी बल्हारा। द शो मस्ट गो ऑन, यानी खेल जारी रहेगा। ये महज मुहावरा नहीं, एक लंबे संघर्ष की कहानी है। ये कहानी है एशियन गेम्स में कुराश में सिल्वर मेडल जीतने वाली पिंकी बल्हारा की। कहा जाता है कि खिलाड़ी के लिए बेहद जरूरी होता है उसका मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना। जरा सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उनका अपनी भावनाओं को संयमित करना। हमारे घर में तीन लोग एक्सपायर हो गए थे। पहले मेरी बुआ का बेटा, फिर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, फिर मेरे दादा एक्सपायर हो गए थे। तो जैसे कि सबको होता है कि बेटी अपने पापा की बहुत खास होती है, लाडली होती है, ऐसे ही मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी। तो मेरे लिए मेरी एक स्ट्रेंथ चली गई थी जब मेरे पापा चले गए थे। वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे कि तेरे को चैम्पियन बनना है, तू तगड़ी है, डरियो मत किसी से। मतलब हमेशा मेरे को पॉजिटिव ही बोलते थे और मतलब मोटिवेट करते थे। पिंकी के पिता उनके गुरु भी थे। उनकी मौत के बाद भी पिंकी ने खुद को लक्ष्य से भटकने नहीं दिया और उनके सपने को पूरा कर भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। सर प्रैक्टिस करते करते याद जरूर आते थे, लेकिन दिमाग में ये रहता था कि अब
मतलब पापा है मेरे साथ है कहीं ना कहीं, और उन्होंने बोला था मैं अपने पापा को कभी उसमें नहीं जाने देती थी, मतलब अपनी प्रैक्टिस नहीं देखने देती थी या अपने मतलब पापा को साथ में नहीं लेके जाती थी किसी भी टूर्नामेंट में कि आप आते हो तो मेरे से कुछ होता नहीं है। तो पापा ने ज़िद्द की थी इस बार कि एशियन गेम्स जो होगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ जाऊँगा, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो मैं कभी भी हाँ नहीं बोलती थी, मैंने इस बार हाँ बोली, लेकिन मेरे पापा उसे पहले ही चले गए। एक खिलाड़ी के लिए कोच की भूमिका सारथी के रूप में होती है। सुबह से लेकर शाम तक अपनी टीम को दिशा और गति देता है वो। पूर्व में जूडो खिलाड़ी रह चुके पिंकी बलहारा के कोच समुद्र टोकस फिलहाल बीएसएफ में इंस्पेक्टर हैं। समुद्र टोकस ने पिंकी को फिजिकली ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी फिट किया। पिंकी अपने जीत का पूरा श्रेय अपने कोच समुद्र टोकस को देती हैं। चौथे दिन तो दीश की प्रैक्टिस करवा दी थी, तो प्रैक्टिस करवाते करवाते ये दौड़ कर रही थी और रो रही थी। तो वो समय जो हमारा 6-7 दिन, क्योंकि 24 घंटे में से ये मेरे साथ 13-14 घंटे मेरे साथ ही रहते हैं सुबह शाम दोपहर, तो मैं 6-7 दिन मैंने इनको इतना माइंड प्रिपेयर कर दिया कि नहीं बेटा अब जो हमने जो मान ले तेरे फादर चले गए या तेरे दादाजी चले गए या तेरा जो भाई कजन चले गया उनको तूने ये बेस्ट करके दिखाना है। और 8 महीनों में दिन तो मैंने इसको सीनियर नेशनल खिलवा दिया, फिर एशियन चैम्पियनशिप में गई, वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल ले आई, और एशियन गेम में तो आपने फिर पता ही है 2 महीने बाद 3 महीने। तो इसको मैंने बहुत ही माइंड प्रिपेयर इसको और बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। पिंकी के पिता दिल्ली जल बोर्ड में काम किया करते थे। इसी बरस उनका फरवरी महीने में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पिंकी की मां ने अपनी बेटी के लिए कभी पिता तो कभी कोच की भूमिका निभाई और पिंकी की सेहत और स्वतंत्र निर्णय का हमेशा ख्याल और सम्मान किया। जी मैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं देखती है, जैसे लड़के के लिए है तो लड़की के लिए भी यही मतलब हर चीज आके है, तो जब हर चीज जो लड़की मांगती है वो ही दिया, इसकी कभी कमी नहीं महसूस होने दी किसी चीज की। सबने बोला था परिवार में ये पढ़ाई में अच्छी है खेल में मत कराओ, पर इसने एक बार बोला था मम्मी मैं जूडो करूंगी, जब भी मैंने इसको जूडो में डाला था भैया के पास। उन्नीस बरस की पिंकी दिल्ली के नेव सराय इलाके की रहने वाली हैं। पिता के गुजर जाने के बाद भी पिंकी ने हौसला और प्रैक्टिस दोनों में बढ़त बनाए रखी। तमाम ताने सुने जो किसी को भी हतोत्साहित कर सकते थे, पर कहते हैं ना कि चैंपियन कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। पिंकी ने इस बात को सटीक तरीके से सार्थक किया, वो आगे बढ़ती गई। नकारात्मक विचार, लोग और बाधाएं सब पीछे छूटते गए। दुनिया ये बोलती होगी कि इसका बाप तो गया, ये कैसे मतलब कि कैसे घूम रही है या इसको जिम की लगी है, पर मेरा भी मन नहीं था सर कि मतलब मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन सिर्फ अपने पापा के लिए मैं जाती थी कि भाई उनका नाम होगा। मतलब आज हमारे गांव में मेरे पापा के ही उससे जानते होंगे कि भाई मुकेश की लड़की है, देख उसने क्या किया ये वो, बस मैं ये दिन देखना चाहती थी। पिंकी ने एशियन गेम्स में भारत को कुराश इवेंट में पहला सिल्वर मेडल दिलाया। इस ऐतिहासिक जीत पर देश में उम्मीदों की ओस गिरी तो कहीं खुशी के आंसू छलके। हमें इतनी खुशी हुई थी बस समाया नहीं गया, हमारे आंखों में आंसू आ गए थे। हमारे देश का नाम करके आई, हमारे गांव का, इलाके का, पूरे दिल्ली का, सब का नाम करके आई, हमें बहुत खुशी है। हम चाहते इस लड़की को ओलंपिक तक जाए। हमारे जितने बच्चे अमेरिका बाबा गंगनाथ मंदिर में प्रैक्टिस करते हैं, हम सोचते हैं बच्चे ऊपर तक जाए। बहुत अच्छा लगा, खूब बाजा बजा के खूब बधाइयाँ दी हमने सब ने। अभी एशियाड में मेडल आया, बाबा गंगनाथ ने चाहा तो शायद ओलंपिक में भी मेडल दिल्ली से ही यहाँ इस मंदिर से ही आएगी। अरे अस्पताल पड़ी थी जब तो पैर सुनकर बहुत खुश हो गई, बहुत खुशी हुई, सारी बीमारी भगी। गाँव वालों बड़ा खुश का माहौल था, निगाड़े बाजे और पटाखे चलाए, वह एयरपोर्ट से लेके आए, पूरा गाँव लेके आया।
अरे गांव में वाह करवा दी सारे हिंदुस्तान में ऐसी पोती सब कह दो। एशियन गेम्स में मेडल जीतना हर खिलाड़ी और उसके देश को गौरवान्वित करने का क्षण होता है। ऐसे क्षण पिंकी के जीवन में आते रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कुराश और जूडो प्रतियोगिता में उन्होंने अब तक 16 मेडल जीते हैं। ये मेडल्स उन्होंने बीच एशियन गेम्स वियतनाम, कुराश जूनियर एशियन चैंपियनशिप चाइना, कुराश वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप केरल, सीनियर एशियन चैंपियनशिप किर्गिस्तान में भाग लेने और जीतने पर मिले हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मुनिरका के बाबा गंगना जूडो कुराश एकेडमी में। केरल, पंजाब और हरियाणा के बाद दिल्ली में ये ट्रेनिंग सेंटर कुराश की नर्सरी माना जाता है। इस ट्रेनिंग सेंटर से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की खेल प्रतियोगिताओं में हर बार खिलाड़ी भारत का परचम लहराते हैं। जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में जिन 14 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था उनमें से 5 इसी ट्रेनिंग सेंटर से थे। गांव वाले यहां चल रहे ट्रेनिंग सेंटर को पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में हर रोज तकरीबन 200 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलती है। शुरुआत 5 बरस के बच्चों से होती है। देखिए इनका उत्साह और ऊर्जा। ये ग्राउंड बाबा गंगनाथ मंदिर परिसर का है। मुनिरका गांव में बाबा गंगनाथ मंदिर आस्था का सबसे मजबूत प्रतीक है। यहां प्रशिक्षण पाने के लिए खिलाड़ी दूर दूर से आते हैं। प्रैक्टिस रात के 11 बजे तक चलती है। बस अपने देश का झंडा लहराना है ओलंपिक गेम्स में और गोल्ड लाना है। जून में ही करना है कुराश में, आगे देश के लिए मेडल लाना है। ये ट्रेनिंग सेंटर बीते कुछ बरसों में एशियन चैंपियंस का केंद्र बन गया है। कुराश और जूडो की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में यहाँ के खिलाड़ी अब तक 100 से ज्यादा मेडल्स जीत कर लाए हैं। कुछ बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग ग्राउंड शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाला है तो कुछ इसे ओलंपिक तक पहुँचने की सीढ़ी देखते हैं। पिंकी दीदी से इंस्पायर हुई हूँ, उन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल लाए, लेकिन अगली बार मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी। मुझे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है। रनिंग होती है पहले, फिर हेड से लेके लेग तक एक्सरसाइज होती है, फिर रोलिंग वगैरह। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जमाना बदला तो लोगों की सोच भी नई करवट लेने लगी है। आज माँ बाप जिस जिम्मेवारी से सुबह अपने बच्चों के बस्ते सेट करते हैं, उसी तरह शाम को उनके किट बैग का भी ख्याल रखना नहीं भूलते। ये तो रहती है 11:30 बजे तक, मेरा पोता बड़ा रहता है आरसी, और हम चले जाए 9:30 बजे छोटे बच्चा लेकर। अब बहुत खुश था। तो सिर्फ लड़का लड़की ही नहीं, पेरेंट्स में भी, पिताजी भी, माताजी भी, सबका इंटरेस्ट एक साथ इन्वॉल्व है यहाँ पे। अर्जुन अवार्डी और मशहूर तैराक खजान सिंह टोकस कहते हैं कि खेलों के प्रति समर्पण और चाह हो तो देश आपको सब कुछ देता है। खिलाड़ी को खेल का शौक नहीं, जुनून होना चाहिए। खजान सिंह भारत के पहले तैराक थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। खजान ने 1986 में हुए एशियन गेम्स में भारत को स्विमिंग में पहली बार सिल्वर मेडल दिलाया। वो आज CRPF में DIG हैं। खेलना और खेलना अच्छा दो डिफरेंट इशू। तो आपको अपना इंटरेस्ट नेशन के लिए लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और एक बार ये सोच के घुसना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ खेलना ही है और देश के लिए खेलना है, तो आपको सब कुछ मिलेगा इस देश में।
फिलहाल पिंकी बलहारा कोई अपवाद नहीं है और ना ही खेलो इंडिया सिर्फ पदक जीतने का मसला है। खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया मुहिम की शुरुआत करते हुए कही थी। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ, ग्रास रूट लेवल पे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा हो, चाहे कोचिज की ट्रेनिंग का विषय हो, ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग की बात हो, खेल के नियम नीचे तक समान रूप से पहुंचे, खेल के मैदानों की जानकारी आखिरी तबके तक सही हो, एक एक चीज पर ध्यान देते हुए खेल को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने का प्रयास आरंभ हुआ। खेलों को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है जिससे अधिकतम प्रतिभागिता बढ़े और जिनके माध्यम से सरकार उभरती हुई प्रतिभाओं को पहचाने और तराशे। दिस मेडल डज नॉट बिलोंग टू एनी वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दिस मेडल्स दैट यू वन बिलोंग टू द होल कंट्री। और आपके 10 दिन बाद इस मेडल को कोई नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा, बिकॉज वो मेडल आपके अंदर है। टू क्रिएट अनदर मेडल is inside you. So you are the champions, you are what is important, not that medal that you hold, that is just symbolic. जानकारों के मुताबिक भारतीय खेल का इतिहास और भी स्वर्णिम होगा अगर शहरों के साथ साथ गांव में भी खेल के मूलभूत ढांचे को स्थापित किया जाए और स्थानीय प्रतिभाओं को मौका दिया जाए। ये जो बच्चे हैं गांव के, जो बच्चे गरीब हैं, इनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो कि उनका जो हुनर है वो नहीं निखर पाता और वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। जो मेरा एक मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको एक रिक्वेस्ट है कि दे शुड कम फॉरवर्ड कि अकेडमीज़ जो बनाई जाएं, गवर्नमेंट के अंडर अकेडमी बनाई जाए, एक नेशनल अकेडमी बननी चाहिए हर स्पोर्ट्स की, और उस अकेडमी में उस हर बच्चे को, टैलेंटेड बच्चे को चांस दिया जाए। क्या चाहिए उसको? खाना, पढ़ाई, रहना और प्रॉपर कोचिंग विद इक्विपमेंट्स। पिंकी के मुताबिक जब वो एशियन गेम्स में भाग लेने जा रही थी तब भारतीय ओलंपिक संघ ने उनके किट का भुगतान करने से मना कर दिया था, पर सरकार ने कुराश के खिलाड़ियों के लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते न सिर्फ इसे मान्यता दी है बल्कि वित्तीय सहायता और बढ़ावा भी दे रही है ताकि पिंकी जैसे और खिलाड़ी सारी सुविधाओं, समर्थन और ताकत के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उतरें। आज देश में खेल एक ऐसे सशक्त माध्यम के तौर पर उभर रहा है जिसके जरिए पिंकी बलहारा जैसी बेटियां मिथक और वजनों को तोड़ रही हैं। देखिए क्या कहती हैं ऐसी कुछ प्रतिभाएं। मैं चाइनीज ताइपे गई थी खेलने के लिए एशियन चैंपियनशिप, वहां पे मेरा ब्रोंज मेडल आया था, तो इसीलिए इंटरेस्ट जागा और फिर मन करा कि मतलब इसमें इंटरनेशनल में मेडल आ रहे हैं तो और अपने देश के लिए आगे मेडल लाएं। कोच साहब हमारे खेलने गए थे कुराश, तो इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया था ब्रॉन्ज, तो इन्हीं को देख के हमने भी कि हमें भी खेलना है, हमें भी मेडल मारना है इंटरनेशनल लेवल पे, हमें भी लाना है। अब लड़कियां जैसे मेडल ला रही हैं और पढ़ाई में भी आ गए, हर चीज़ हर फील्ड में, तो उसी तरह लोगों का वो थिंकिंग बदल रही है। भारतीय समाज बदल रहा है लेकिन लड़के और लड़कियों में भेदभाव आज भी बरकरार है। क्यों नहीं इस गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए हम अपने बेटों और बेटियों को इस रिंग में उतार दें और फैसला खुद उन पर ही छोड़ दें। ये थी आज की हमारी खास पेशकश। अगले अंक में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।